हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर की रेसिपी बनाने के लिए मेरे चैनल को इन तक ज़रूर देखें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए बहुत ही छोटे दाने का चावल ले रखा है। इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये 250 ग्राम है तो इसको पहले वॉश कर लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंडक्शन पे 1 लीटर मिल्क को गर्म होने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से बॉईल आ जाए इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है और मैंने चावल भी अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे अब इसमें डाल देंगे सारे को। यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अगर आप गैस में बना रहे हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, और इंडक्शन में कुक कर रहे हैं तो इसके फ्लेम को भी कम कर देंगे ताकि चावल हमारा अच्छे से गल जाए। इसे हम चला देंगे एक बार। मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। तरह से इसे हम चलाते रहेंगे अभी 2 मिनट तक लगातार। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो इसकी खुशबू अभी से ही आने लगी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खीर की। जस्ट मैंने अभी सिर्फ चावल डाला है तो अच्छे से कुक होने देंगे और अब इसको लिड से कवर कर देंगे हम 2 मिनट के लिए से पकने देंगे अच्छे से। साथ ही मैं इसमें ग्रीन छोटी इलायची डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना करके डाल सकते हैं। यहाँ पे चावल अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। यहाँ पे मैं 1 कप ले रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप और चीनी बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से चलाते हुए। चीनी अच्छे से डिजोल्व हो चुका है और खीर यहाँ बन करके मेरे रेडी हो चुका है। इंडक्शन को कर देंगे हम ऑफ। अगर आपको ठंडी पसंद है तो इसे फ्रिज में रख दीजिए रूम टेम्परेचर आने के बाद। मैं सर्विंग मोल पर निकाल लेती हूँ। खीर यहाँ बन करके रेडी है।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।